दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत तकरीबन सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह कोरोना पीड़ित हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए पर्यावरण मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय शनिवार से 5 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह जनसभाओं को संबोधित करेंगे एवं आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में बदलाव की पैरोकारी करेंगे। साथ ही वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तरीय नेताओं के साथ भी कई बैठकें करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए आपकी तैयारी के सिलसिले में 8 से 13 जनवरी तक वहां की यात्रा पर रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक राय शनिवार को हल्द्वानी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कड़ी में 10 जनवरी को हल्द्वानी, 11 को सितारगंज में, 12 को रुद्रपुर और 13 को रामनगर में उनका अपनी पार्टी द्वारा आयोजित नव परिवर्तन सभा में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। राय ने अपनी इस यात्रा के संबंध में कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद अलग राज्य तो मिल गया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने संघर्ष किया तथा कई बलिदान दिए वह अब तक हासिल नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।